नमस्कार दोस्तों, लाइफ आई टीचिंग की एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की यह वीडियो एक क्यू एन ए वीडियो है, यानी कि दोस्तों मैंने आप सभी के कमेंट पढ़े और उन कमेंट के अंदर कुछ कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने वहां से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं और उन सभी क्वेश्चन का रिप्लाई है वो मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है RSCIT का सर्टिफिकेट, क्वेश्चन नंबर 2 है वुमेन बैच का एग्जाम कब है, क्वेश्चन नंबर 3 है RSCIT डी एग्जाम के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि RSCIT का जो नेक्स्ट एग्जाम है वो कब होगा और कौन कौन से बैच का होगा। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। जी हाँ, बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखना है। तो चलिए शुरू करने से पहले जल्दी से लाइफ आई टीचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का एक बटन दिया हुआ है उसे प्रेस करो, और उसके साथ में दिया हुआ है एक बेल आइकॉन उसे भी प्रेस कर दो। इसे दोस्तों क्या होगा, यानी कि जब भी हम नेक्स्ट हमारी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वो दोस्तों सबसे पहले आपके मोबाइल के अंदर आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि लाइफ आई टीचिंग ने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे देख लीजिए। तो जल्दी से ये छोटा सा काम कर दो और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है RSCIT सर्टिफिकेट के बारे में। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, RSCIT का ऑफिशियल जो सर्टिफिकेट होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और दोस्तों इसे आने के अंदर लगभग 4 से 5 महीने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी कि 4 से 5 महीने के बाद में आपका सर्टिफिकेट आएगा अगर आपका एग्जाम हुआ है 3 मार्च को। ओके, जैसे कि इससे पहले भी एग्जाम हुआ था 23 दिसंबर का, उन विद्यार्थियों का भी दोस्तों अभी तक कोई सर्टिफिकेट नहीं आया है, और दोस्तों उससे पहले जो एग्जाम हुआ था यानी कि 30 सितंबर को, हाँ उनके सर्टिफिकेट आ चुके हैं। वैसे दोस्तों अगर आपको भी जल्दी सर्टिफिकेट चाहिए तो दोस्तों आप RSCIT का ई सर्टिफिकेट भी निकलवा सकते हो। इसके लिए दोस्तों हमारे पास SSO ID होनी चाहिए जो कि हम आसानी से इंटरनेट के माध्यम से बना सकते हैं। SSO मतलब सिंगल साइन ऑन। ओके, तो इस आईडी के जरिए आप अपने RSCIT ई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद में आपका RSCIT का ई सर्टिफिकेट आ जाएगा। ओके, वैसे दोस्तों कुछ दिनों के बाद में एक वीडियो आएगा जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आप RSCIT का प्रोविजनल ई सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी दोस्तों आप अपने मोबाइल के अंदर। ओके, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। अभी दोस्तों हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, वुमेन बैच का एग्जाम कब है। दोस्तों आप सभी को पता होगा वुमेन बैच का एग्जाम पहले 3 मार्च डेट रखी गई थी, पर दोस्तों जो जुलाई बैच का एग्जाम था जो कि 17 फरवरी को होना था उसे दोस्तों 3 मार्च को करवाया गया, जिसके कारण दोस्तों 3 मार्च को बहुत सारे और भी RSCIT के एग्जाम होने थे, यानी कि अदर बैच के भी एग्जाम होने थे, उनको रद्द कर दिया गया है और उनको नेक्स्ट टाइम करवाया जाएगा। यानी कि दोस्तों आगे जब भी RSCIT का एग्जाम होगा उनके साथ ही RSCIT वुमेन बैच का जो एग्जाम है वो दोस्तों पक्का हो ही जाएगा। ओके, इसके बाद में दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है RSCIT री एग्जाम। अब दोस्तों RSCIT री एग्जाम के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि हम RSCIT का री एग्जाम 3 बार करवा सकते हैं, और दोस्तों जितनी बार भी इसका री एग्जाम करवाते हैं उतनी बार दोस्तों इसकी मात्र 300 रुपए फीस लगती है। यानी कि दोस्तों आप एक बार RSCIT एग्जाम में अनुत्तीर्ण हो जाते हो तो आप दोबारा से उसका RSCIT का री एग्जाम करवा सकते हो, और दोस्तों वो री एग्जाम आप खुद भी कर सकते हो, जिसके लिए हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि RSCIT का री एग्जाम आप खुद कैसे कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो 3 मार्च को जिनका एग्जाम हुआ है, जिन विद्यार्थियों का, दोस्तों उनकी अगर 13 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि 13 क्वेश्चन से नीचे वाले जो विद्यार्थी हैं उनको दोस्तों RSCIT का री एग्जाम करवाना पड़ेगा। अब दोस्तों री एग्जाम की डेट क्या होती है, डेट होती है दोस्तों एग्जाम के लगभग 10 दिन के बाद में री एग्जाम होना शुरू हो जाती है, तो आप उस टाइम RSCIT का री एग्जाम करवा सकते हो। परंतु दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि आप RSCIT का री एग्जाम खुद भी कर सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से RSCIT का री एग्जाम कर सकते हो। और हाँ, जब भी RSCIT के री एग्जाम के फॉर्म शुरू हो जाएंगे हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। अभी चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे, यानी कि RSCIT का नेक्स्ट एग्जाम कब होगा और वो कौन कौन से बैच का होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं अपना एक ओपिनियन देना चाहूंगा, RSCIT दोस्तों बहुत ही लेट इसका एग्जाम करवाती है। उदाहरण आपके सामने है, देखो जुलाई बैच का एग्जाम कब हुआ, यानी कि अगले साल में एग्जाम हो रहा है, तो दोस्तों RSCIT बहुत ही लेट एग्जाम करवा रही है। अब दोस्तों RSCIT का जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके अंदर दोस्तों इन्होंने 4 बैच को इंक्लूड किया है, कौन कौन से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और वुमेन बैच। ओके, यानी कि इन 4 बैच का जो एग्जाम है वो दोस्तों RSCIT एक साथ करवाएगी। अभी तक फिलहाल दोस्तों इस एग्जाम की डेट तो नहीं आई है,
पर दोस्तों अगर हम अनुमान लगाएं अप्रैल के एंड में या फिर दोस्तों मई के स्टार्ट में ये एग्जाम हो सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों लाइफाई टीचिंग यूट्यूब चैनल और दोस्तों learnrct.com ये दोस्तों दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि आरएससीटी स्टूडेंट के लिए स्पेशल बने हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक छोटी से छोटी आरएससीटी की अपडेट मिलती रहती है। तो दोस्तों अगर आपने भी एडमिशन लिया था आरएससीटी अगस्त सितंबर और अक्टूबर बैच के अंदर या फिर वुमेन बैच के अंदर, तो आपके लिए हम एक स्पेशल स्टडी बैच स्टार्ट करेंगे। हमें उम्मीद है आप सभी उस बैच को ज्वाइन करेंगे और अपनी आरएससीटी की जो स्टडी है वो ऑनलाइन अच्छे तरीके से करेंगे। आप सभी के जितने भी डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर करवाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उन सभी वीडियोज को जरूर देखना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमसे और ज्यादा कनेक्ट होना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। वहां पर दोस्तों हम आपको गाइड करते रहते हैं कि आपको इस समय क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक आने वाली है या फिर कौन सी क्वेश्चन बैंक लेनी चाहिए या फिर आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन सभी का रिप्लाई वहां पर दोस्तों हम देते हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हो। ओके, और आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर एंड करती हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज एक लाइक जरूर करके जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों आपके अदर भी दोस्त हैं जो कि अगस्त सितंबर अक्टूबर या फिर वुमेन बैच के अंदर हैं, तो उनको यह वीडियो शेयर कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपने अभी तक लाइफाई टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आरएससीटी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।